आपको मुझे माइक यूज कर चाहिए मुझे हेलो सर। और अब माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जैसे हमने आपको बताया हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं, अब वो यहाँ उपस्थित बुद्धिजीवियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी। आज के कार्यक्रम में जिनके कर कमलों से सेहत का शुभारंभ होने वाला है, ऐसे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास को नए आयाम दिए हैं और एक जनसंवाद की नई परंपरा जिन्होंने शुरू करी है, ऐसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जम्मू कश्मीर के ही नेता और पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल, गृह सचिव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव जी, स्वास्थ्य सचिव और नेशनल हेल्थ मिशन के सीईओ डॉक्टर इंदुभूषण जी, और इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से उपस्थित सभी सांसद गण जो जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर के प्यारे भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और शुभ दिन है, क्योंकि आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो जम्मू कश्मीर के छोटे से छोटे नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करने जा रही है। सेहत की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज होगी और ऐसे समय पर हो रही है। हम सभी जानते हैं कि कल श्रद्धेय अटल जी का जन्म जयंती थी और एक सुशासन सप्ताह केंद्र सरकार मना रही है। अटल जी का कश्मीर के लिए और कश्मीरियों का अटल जी के लिए एक विशेष लगाव रहा था और उसी सुशासन सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस सेहत स्कीम का आज लोकार्पण होने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज जी को बहुत बहुत मन से बधाई देने जा रहा हूं, क्योंकि आज ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूर परिवर्तन लाएगी। लगभग 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही है। देश भर में तो ये योजना लागू है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के नाम से, मगर उसमें ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए है और 60 करोड़ गरीबों के लिए ये योजना लगभग 2 साल से चमत्कारी काम कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक 1.5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में दाखिल होकर छोटे मोटे ऑपरेशन से लेकर बड़े ऑपरेशन कराए हैं, मगर उन पर कोई किसी प्रकार का आर्थिक बोझ तक नहीं पड़ा है। उनको घर तक जाने की, वापिस स्वस्थ होकर घर तक जाने की सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हुई है और 1.5 करोड़ लोग आज अपना जीवन स्वस्थता के साथ इस योजना के कारण, प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के कारण आज अच्छे से गुजार रहे हैं। और आज जो आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ सेहत को जोड़कर, चाहे गरीब हो, चाहे तवंगर हो, चाहे कोई भी हो, हर कश्मीरी भाई बहन के लिए, जम्मू कश्मीर के सारे नागरिकों के लिए ये योजना आज शुरू होने जा रही है और मुझे आनंद है कि योजना का फायदा कश्मीर के हर नागरिक को मिल रहा है। पूरे देश भर में शायद कश्मीर पहला ऐसा राज्य है जहां पर ये योजना हर नागरिक को मिलने जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी का कश्मीर के लिए जो लगाव है और हमारे LG मनोज जी ने जिस प्रकार से प्रयास शुरू किया है, उसी का नतीजा है कि कल से हर कश्मीरी इस योजना का फायदा उठा पाएगा। लगभग जम्मू कश्मीर के 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट अस्पताल इसके लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। ये 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो भी नागरिक जाएगा, जम्मू और कश्मीर दोनों का, उसकी स्वास्थ्य की चिंता
फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार उठाएगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन उठाएगा। मित्रों, ये योजना से जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा मिलेगा और नए प्राइवेट अस्पताल आएंगे, अच्छे अच्छे अस्पताल आकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सेवा में लगेंगे और एक दिन बहुत दूर नहीं है कि जम्मू कश्मीर से बड़े स्वास्थ्य की सुविधा के लिए भी किसी को जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना दिल्ली जाना पड़ेगा, ना कहीं और जाना पड़ेगा। मैं मानता हूं आज ये जो शुरुआत होने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये क्रांतिकारी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथ से होने जा रही है। मैं मनोज जी को विशेष अभिनंदन कोविड के लिए भी देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में समग्र प्रशासन ने जम्मू कश्मीर जैसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र वाले इलाके में भी कोविड का जो मैनेजमेंट किया है वो मैनेजमेंट से जम्मू कश्मीर बचा हुआ है। और आज जो टूरिज्म के अंदर एक अच्छा रिस्पांस दिख रहा है हमें, वो रिस्पांस का कारण है कि कोविड से जम्मू कश्मीर को बचा लिया गया है। मैं आज जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी हमारी मीटिंग करते हैं वो 3 बातों पर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष आग्रह रखते हैं। एक तो विकास की गति द्रुत गति होनी चाहिए, बहुत स्पीडी होनी चाहिए और विकास छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, इसके जीवन स्तर को उठाने का हमने प्रयास करना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाना चाहिए। जमहूरियत डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल तक पहुंचती है तभी लोकतंत्र सफल होता है। और तीसरा, सुरक्षा और शांति के माध्यम से ही विकास प्राप्त किया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति भी एक बनी रहनी चाहिए। ये तीनों क्षेत्र में 5 अगस्त के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। विकास के मामले में व्यक्तिगत योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे भारत सरकार ने भेजी हुई संस्थाओं का अमल में लाने की शुरुआत हो, तीनों क्षेत्र के अंदर 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक चमत्कारिक स्पीड से काम किया है। व्यक्तिगत योजनाओं की जहां तक बात करूं, लगभग हर विधवा को सहायता मिलना, बुढ़ापे का पेंशन हर व्यक्ति को पहुंचाना, स्कूल की स्कॉलरशिप हर विद्यार्थी तक पहुंचाना, ढेर सारे व्यक्तिगत योजना के फायदे भारत सरकार की सभी स्कीमों के जम्मू कश्मीर में पहुंचाने का काम बहुत जल स्पीड से हुआ है। और आज लगभग सारी योजना सैचुरेशन के कगार पर खड़ी है। इससे जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत फायदा मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 2014 से की है इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का काम 5 अगस्त के बाद से एकदम द्रुत गति से स्पीड से शुरू हुआ है और मुझे भरोसा है कि आने वाले 1 साल के अंदर इसको हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जनता के लिए एक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा इनिशिएटिव है वो फल देने लगेगा। और जितनी भी संस्थाएं प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से मंजूर कर भेजी थी, उनका बनना, उनकी भर्ती होना, इनके कोर्स बनना, ये सारी व्यवस्था सब मोर्चे पर काम बहुत स्पीड से चल रहा है। जहां तक ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र को पहुंचाने का सवाल है, 5 अगस्त के बाद पंचायती राज का अस्तित्व, त्रिस्तरीय पंचायती राज का अस्तित्व आया है और अभी चुनाव समाप्त हुए। मुझे आनंद है रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर पारदर्शी तरीके से सभी कश्मीरियों ने वोट डालकर, इतनी भारी मात्रा में वोट डालकर अपने जनप्रतिनिधियों को चुना है। जब जिला पंचायतें बन जाएगी, अस्तित्व में आएगी, तब जिले का काम की प्रायोरिटी आपके जनप्रतिनिधि खुद करेंगे, आपसे संपर्क बढ़ेगा और आपकी इच्छाओं को जानकर वो जिले के विकास का नक्शा खींचेंगे और तभी जाकर ये जम्मू कश्मीर में विकास गांव तक, घर तक पहुंच पाएगा। और केंद्र से पैसा सीधा जम्मू कश्मीर सरकार के पास जाने की जगह जिला पंचायतों के हाथ में जाएगा और जिला पंचायत अपने जिलों का विकास करने की एक नई शुरुआत करेंगे। मैं मानता हूं मित्रों कि ये जो शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ है और जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिस प्रकार से इसके अंदर भारी संख्या में हिस्सा लिया है,
और बहुत अच्छे तरीके से सबने अपने अपनी मनसा के अनुरूप वोटिंग कर अपने 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 प्रतिनिधि चुने हैं, वो जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा को गांव तक आपके घर तक पहुंचाने में चमत्कारिक परिवर्तन आने वाले 5 सालों में करेंगे। और 5 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में गांव तक लोकतंत्र को पहुंचाना और व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर हिस्सेदारी लेने का मौका देना और उसको एक प्लेटफॉर्म देना, मैं मानता हूं वो वादा आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। सुरक्षा और शांति का जहां तक सवाल है, सुरक्षा और शांति भी बहुत लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री जी के कार्यभार संभालने के बाद 2014 से आज तक कश्मीर पहली बार एक ऐसे 6 साल का कालखंड आया है कि शांति का अनुभव कर रहा है। आज शांति के बगैर विकास असंभव है, शांति के बगैर टूरिज्म पनपना असंभव है। शांति एक एटमोस्फियर क्रिएट करती है जो डेवलपमेंट का रास्ता प्रशस्त करती है, टूरिज्म को बढ़ावा देती है और युवाओं के सपनों को साकार करने का एक रास्ता बनाती है। और सुरक्षा और शांति भी आज मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूं कि 2014 से 2020 का ये 6 साल का कालखंड रहा है वो जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद 90 के दशक के बाद शांतिपूर्ण कालखंड के रूप में आने वाले दिनों में जाना जाएगा। ये तीनों उद्देश्यों को हल करने में हमारे LG श्री मनोज सिन्हा जी की एक बड़ी भूमिका रही है, मुख्य सचिव जी ने भी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इसके साथ जोड़ा है। मैं दोनों को भारत सरकार की ओर से बधाई भी देना चाहता हूं और दोनों का अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो वादा था 5 अगस्त के बाद कश्मीरियों को, वो कश्मीर की जनता को, उसको पूर्ण करने में बहुत लंबी मजल बहुत कम समय के अंदर काटने का आप लोगों ने प्रयास किया है और सफलता भी प्राप्त की है। अंत में मैं जम्मू कश्मीर की जनता को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने वायु प्रवचन के अंदर जो जो वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, वो सारे वादों को धरती पर उतारने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है और LG के नेतृत्व में, हमारे मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कटिबद्ध है और आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत अच्छा